Good morning, friends. If you don't believe you can do it, then you have no chance at all. That means, पहले खुद पे बिलीव करना सीखिए. करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है. आज है आपका 9th of November 2022. डॉलर इंडेक्स अभी है 109.70. जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस है, ये स्विंग लो के नीचे डेली बेसिस में आना पड़ेगा. देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट, मींस ये जो लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशंस होगा. अभी 10th ऑफ नवंबर को इम्पोर्टेंट डेटा है, दैट इज द यूएस सीपीआई डेटा. मार्केट उसके ऊपर भी नजर गिरा है मेरे हुए. सो हमें कल के डेटा के लिए फिर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा. डॉलर रुपी, कल इंडियन मार्केट में हॉलीडे था ड्यू टू गुरु नानक जी जयंती. सो हमारे इंडियन मार्केट में कुछ काम हुआ नहीं है, बट ग्लोबली द इंपैक्ट इज 81.38 एज ऑफ नाउ. जैसे कि आप देखोगे कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स डेली बेसिस में, उसका जो टारगेट होना चाहिए, ये वाला टारगेट होना चाहिए. व्हाट इज दैट? आपका 80.90. सो आने वाले दिनों में एक आशा है कि यहां तक ये आ सकता है. 80.90, नॉट 81.90. सो देखते हैं क्या होता है. जीबीपी डॉलर ये स्विंग लो से अच्छा खासा बाउंस किया है. अभी हमें जो इंतजार है ये स्विंग हाई के ऊपर, जैसे क्लोज दे देगा उसके बाद ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन आ जाएंगे. एंड उसके बाद हमें इमीडिएटली बाय नहीं करना है. एनी पुल बैक, एनी रिट्रेसमेंट्स, वी कैन गो लॉन्ग. जीबीपी आईएनआर में सिमिलरली सेम एनालिसिस है. हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा क्या ये स्विंग हाई को तोड़ता है या ये लो जो है उसको तोड़ देता है. अगर ये स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, देन एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन आएगा. लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है. ऊपर जाने का जो बाइंग प्रेशर है वो थोड़ा सा हल्का सा हेजिटेट हो रहा है, क्योंकि कल एक आपका स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है. स्पिनिंग टॉप मीन्स इट्स ए पॉज कैंडल, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे. दैट मीन द केस ये अगर नीचे भी आता है, एट एनी केस ये जो स्विंग लो है दैट इज 92.20, इसके नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए. इसके नीचे क्लोज दे देगा तो क्या होगा, आपका ये जो ट्रेंड है पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा. मींस तब जाके फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा प्राइस किस हिसाब से बिहेव कर रहा है. यूरो डॉलर में देखते हैं, सिमिलरली हमें अभी इंतजार है ये स्विंग हाई को तोड़ने के लिए, तब जाके एक ट्रेंड कन्फर्मेशन हो जाएंगे. यूरो आईएनआर पे सिमिलर वे पे हमें इंतजार रहेगा क्या ये स्विंग हाई को तोड़ता है. बट इन बिटवीन जो इंतजार करेंगे, उस इंतजार के बीच में ये स्विंग लो के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए. तो जो ये हायर है, हायर लो फॉर्मेशंस, जो बेसिक्स ऑफ द फंड टेक्निकल एनालिसिस है, तो उसमें एक डेंट आएगा. एंड हमारा जो मार्केट, तब इट विल एंटर इनटू चॉपीनेस, बिकॉज इट विल नॉट नॉट बी हायर है हायर लो, नॉट that lower high lower low formations in between, kabhi high ko tarega kabhi low ko tarega. That means the choppiness will prevail in the market. Dollar yen aapka kal ek acha khasa yen strong hua hai against the dollars. To abhi hame intezar rahega ye jo low hai, that is 145.10, iske low ke niche close dena chahiye. Then and only then hame ek trended confirmations हमें देखने को मिलेगा. ये INR में सिमिलरली ये कंसोलिडेशन जारी है, यहाँ पे कुछ नहीं है. इस कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलना पड़ेगा. सो हमें इंतजार करना है. डॉलर कैंडी में एक अच्छा खासा लो तोड़ दिया है. ये जो नेक लाइन था इसका, यानी सपोर्ट लाइन था, इसके लो के नीचे कंफर्म क्लोज दे चुका है. कल का जैसे कि एनालिसिस था, इसके लो के नीचे एक सेल ऑफ कंटिन्यू होगा, जो इंट्राडे बेसिस पे अच्छा खासा कंटिन्यूएशन हुआ है. अभी हमें इंतजार है ये जो रेक्टेंगल का जो
लेंथ है उसके हिसाब से बराबर यहाँ पे यानी 1.31 के आसपास डॉलर के अंदर आने का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। $80 यहाँ पे इंतजार है इसके हाई के ऊपर क्लोज देने के लिए, सो दैट इट कंफर्म्स हायर एंड हायर लो। उसके बाद एनी डिप में बी बॉट फॉर अपवर्ड मोमेंटम विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। CNH में ये जो 4th ऑफ नवंबर को क्लोज दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसके बाद आपका ये 3 बार बनाया हुआ है, उसके अंदर में 8 तारीख का प्राइस फॉर्मेशन हुआ है, यानी पिन ये जो पिन बार था इट्स एन इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल्स, एंड दिस 8 नवंबर वाला जो प्राइस है वो है इनसाइड बार टू दिस कैंडल, दैट बीइंग द केस इनसाइड बार के बीच है इनसाइड बार, सो प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, दैट इंडिकेट्स मींस मार्केट कभी भी एक जूम करके एक आइदर डायरेक्शन में बिहेव कर सकते। हमें इंतजार रहेगा क्या ये नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाता है तो ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसमें एक डेंट आने वाला है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो थोड़ा सा चॉपीनेस क्रिएट करेगा, फिर वो हाई को चैलेंज करने का कोशिश कर सकता है। यूके ऑयल यहाँ पे देखो आपका 7th of October, उससे पहले 4th of November एंड 7th of November में ये जो हाई है उसमें जस्ट टच करके फिर नीचे आ चुका है। अभी यहाँ पे प्राइस एक मींस खुद को डिस्कवर करने का कोशिश कर रहा है, व्हाट एवर मे बी द फंडामेंटल रीजंस। आज ऐसे भी जैसे आपका क्रूड डेटा होगा शाम को 8 PM में, उसके बाद उस डेटा इन्वेंट्री के ऊपर आइदर द प्राइस विल स्ट्रेंथन और वीकेंड, सो दैट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट। लेकिन प्राइस वाइज क्या हो रहा है यहाँ पे, वो खुद को डिस्कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। डिस्कवर कैसे, क्योंकि अभी ये हाई है और स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, इसके बीच में फंसा हुआ है, इसको प्राइस को पहले खुद को डिस्कवर करना पड़ेगा, क्या मैं अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा हूँ या डाउन ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके हाई के ऊपर तोड़ के क्लोज दे देता है तो ये हायर हायर लो फॉर्मेशन होगा, अगर लो को तोड़ता है तो चौपीनेस बरकरार रहेगा, फिर लो को तोड़ेगा देन उसको फिर डिस्कवर करने और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल दिखा गया है, जहां पे ये आपका 4.12 तक क्लोज लो मार के आपका क्लोज दे था 4.13। व्हाट मींस यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां पे ये कोशिश कर रहा है कि प्राइस खुद को डिस्कवर करने का कोशिश कर रहा है, क्या ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाओ या ये जो स्विंग हाई के ऊपर जाओ। इमीडिएटली कल क्या है 10th ऑफ नवंबर को यूएस सीपीआई डेटा है, दैट सीपीआई डेटा विल गिव द फंडामेंटल आपका इंपैक्ट ऑन दिस प्राइस एक्शंस, मींस यहां पे एक क्लैरिटी मिलेगा। यहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर जस्ट मेजरली वेटिंग फॉर क्या ये हाई को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। फंडामेंटली CPI data will dictate कि inflation is coming under control or still a far way before the Fed is comfortable about whatever measures they are taking, they continuously they are hiking the rates, effective हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें कल 10th of November का CPI data के बाद ही एक decision हम देख सकते हैं, क्या ये swing high ये trend line को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। First indications, अगर ये trend line support को तोड़ के नीचे के तरफ जाता है, that being the case यहाँ पे high को challenge कर नहीं पाया, उसके बाद हम क्या expect कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि low को क्या challenge कर रहा है या नहीं, then एक lower high lower low एक formations हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ एक डेटा बनाया हुआ है, मींस एक फिगर बनाया हुआ है, अभी हमें इंतजार है ये लो, दैट मींस दिस लो क्या है, वो 3.90, ये 3.90 के नीचे क्लोज देता है या नहीं देता है ये हमें देखना पड़ेगा। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, so that I can further improve the presentations as per your requirements. Thank you and have a great day.